जंग के 27वें दिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर दोहराया कि वो पुतिन से बातचीत के लिए तैयार है। वहीं नेटो देश के रवैये से जेलेंस्की खासे नाराज हैं। जेलेंस्की ने कहा कि नाटो यूक्रेन पर अपना रुख साफ करे। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि नाटो रूस की धमकी से डर गया है। इस बीच जेलेंस्की ने यूक्रेनी जनता से आखिरी दम तक वतन के लिए लड़ते रहने की अपील की है और ये संकेत दे दिया कि यूक्रेन झुकने नहीं वाला है। आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक यूक्रेन लड़ता रहेगा। राजेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। राजेश, देखिए जेलेंस्की एक बार फिर से कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला है और वो ये भी कह रहे हैं कि आखिरी दम तक यूक्रेन लड़ता रहेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं नाटो को लेकर कि वो स्पष्ट करे वो उनके साथ है या नहीं है। लेकिन इन सब के बीच पोलैंड पहुंचना जो बाइडेन का, ये किस तरीके की स्ट्रेटजी या रणनीति दिखा रही है और इनसे क्या संभावना, युद्ध के हालात और बढ़ सकते हैं या समाधान की दिशा में पहला या दूसरा कदम बढ़ाया गया है? देखिए, प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह से वो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को, नेटो अलायंस को इस युद्ध में घसीट ले, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सख्त रवैया रहा है अमेरिका का और पश्चिमी यूरोप का इस बारे में कि नेटो किसी भी हालत में इस युद्ध में आमने सामने रूस के नहीं आएगा, किसी तरह का मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर आश्वासन दिया था यूक्रेन को कि हम आपको पूरा फौजी साजो सामान सप्लाई करेंगे, आपको पूरी फाइनेंशियल एड देंगे और रूस पे ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे कि रूस टूट जाएगा, और उन्होंने ऐसा किया। लेकिन यूक्रेन की लगातार ये अभी कोशिश रही है पिछले 10-12 दिन से कि किसी तरह से, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एंगल दिखा के कि कितना बच्चे जो है वो मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियन इलाकों पे हमला हो रहा है, ये सब किसी तरह से एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने का, एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का भी हिस्सा था कि किसी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट की जाए जो अपने लीडरशिप पे दबाव बनाएगी कि अब वक्त आ गया है अमेरिका या नेटो को यूक्रेन के अंदर मिलिट्री हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और जेलेंस्की ने कई पार्लियामेंट्स को एड्रेस किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, फ्रेंच पार्लियामेंट को, स्वीडिश लीडर्स को, अमेरिकन कांग्रेस को, इसराइली, उन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर से अपील की कि आप इंटरवीन करिए। उन्होंने हर जगह कोशिश कर ली है लेकिन जब उन्हें यह असफलता मिली कि कहीं भी कोई इंटरवीन करने को तैयार नहीं है, मिलिट्री तौर पे कोई भी हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं है रूस के खिलाफ यूक्रेन के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित दिख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बोला है कि आप स्पष्ट करें, लेकिन इतना स्पष्ट नेटो ने कर दिया है पहले ही, इससे ज्यादा वो कुछ स्पष्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जेलेंस्की के इस बयान में एक चीज और नजर आती है, वो जानते हैं कि अभी जो बाइडेन जो आ रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, वो ब्रसेल्स में मीटिंग करेंगे नेटो देशों की, उसमें कुछ बड़े फैसले होने की उम्मीद है। इसके अलावा जो बाइडेन यूरोपियन यूनियन के साथ भी मीटिंग करेंगे और G7 देशों के साथ भी मीटिंग करेंगे। इसके बाद वो पोलैंड जाएंगे। पोलैंड जो वो देश है जो इस आइडिया को पुश कर रहा है कि पीस कीपर्स भेजे जाए यूक्रेन के अंदर, लेकिन देखिए ये चीज समझने वाली है कि पीस कीपर्स अमेरिकन नहीं हो सकते हैं या नेटो देशों के नहीं हो सकते हैं। अगर पीस कीपिंग का मामला आगे चला और रूस इसको एक्सेप्ट भी कर लेता है तो ये उन देशों से होंगे जो न्यूट्रल देश हैं, जो ना अमेरिका की तरफ झुके हुए हैं ना रूस की तरफ झुके हुए हैं, जिसमें से भारत एक देश है। तो अगर ये प्रपोजल आगे जाता है तो मैं देखता हूं कि इसमें इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा रोल है। ओवर टू यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए।